वेलकम टू एडवांस इंडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसमें नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में आया है, और ये हिस्ट्री का पार्ट है। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी तक की जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इसमें जो पहला है वो है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो है लेक हिया। नेक्स्ट है हमारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा भी गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका अब नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो गया है, और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और भोपाल कहाँ पे है ये सभी को पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संबंधित है, तो अगर ऑप्शन में दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता तो वो उसी से ही संबंधित है। तो ये याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो हमें हड़प्पा की संस्कृति जो है इसकी जो जानकारी हमें कैसे मिली है, खुदाई, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो चांदी है वो जो उपलब्ध हुई उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। पुरातात्वीय खोज, इसमें ये लोथल है, ये कुछ शहर दिए हुए हैं सिंधु घाटी के, और इनमें जो चीज़ें मिली हैं वो इस साइड लिखी हुई हैं। तो जो लोथल है, लोथल में गोदी बाड़ा नामक चीज़ मिली है। काली बंगा में जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनसे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि UP SSSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा और क्या लेवल उनका रहेगा। तो ये इस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, और ऐसा नहीं होता है कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इन जैसे क्वेश्चंस होंगे। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जितना भी हो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और जहां से भी मिले वो क्वेश्चंस को दिमाग में फीड रखना चाहिए।